यहाँ से क्या है कि जो बहुत भारी वर्षा हुआ है हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जो वर्षा हुआ है, जो कैचमेंट एरिया है हमारा ब्यास का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है पौंग डैम के अंदर आ चुका है, जो प्रेजेंटली 1.5 लाख क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है ये इस समय कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे NDRF का, आर्मी का और बहुत ही मेजर एक रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बचाया जा सके और उनको सेफ एरिया में शिफ्ट करा जा सके। जो अभी सिविल प्रशासन के द्वारा जैसे बताया गया था कि लगभग 100 से 150 आदमी के आसपास बचे हुए, तो हमारी 14 NDRF की जो टीम है वहाँ पर बताया गया था SDM साहब के द्वारा कि ऐसे ऐसे जो है लगभग 100 से 150 बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए जो है एक टीम जो हमारी नूरपुर से आई हुई थी, तो यहाँ पे हमने आकर मौके का जायजा लिया, जिससे दूसरी तरफ जो थी काफ़ी टफ लोकेशन दिख रही थी जहाँ से अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए हमने ये लोकेशन इस पे अप्रोच बनाई है। यहाँ से अब हम जहाँ पे लेके आए लगभग अभी हमारी प्रेफरेंस जो है सबसे पहले बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं और बूढ़ों को रहेगी, ताकि जल्द से जल्द उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो हम जल्दी मेडिकल सहायता प्रदान कर सकें।